मैं डॉक्टर हेमराज चौधरी, फाउंडर ऑफ पेन रिलीफ फिजियोथेरेपी सेंटर प्रताप नगर जयपुर। आज जो कोरोना की महामारी चल रही है उसके अंदर बहुत लोगों को श्वास संबंधी समस्या हो रही है, तो मैं आज आपको कुछ एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा जिनके करने से आपके स्वास्थ्य में लाभ होगा। पहली एक्सरसाइज है हाथ ऊपर करना है और हाथ नीचे करना है। इसके अंदर हाथ ऊपर करेंगे जैसे जैसे सांस अंदर लेना है और हाथ नीचे करेंगे वैसे वैसे सांस को बाहर छोड़ना है। ठीक है, मैं आपको एक बार करके बताता हूं। इस तरीके से हाथ ऊपर करना है और सांस अंदर लेना है, छोड़ना है और हाथ नीचे करने हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज ये करनी है। सेकेंड एक्सरसाइज आती है जिसके अंदर आपको नाक से सांस लेना है और मुंह से फूंक मारनी है। इस तरीके से हाथ को आगे सामने लेना है इस तरीके से। आपको दूसरी एक्सरसाइज भी करनी है। तीसरी एक्सरसाइज के अंदर आपको करना है एक हाथ अपनी छाती के ऊपर रखना है, एक हाथ अपने पेट के ऊपर रखना है और नाक से सांस लेना है और मुंह से सांस को बाहर निकालना है। इस तरीके से ये तीन एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी और आप अच्छे से ब्रीथिंग कर पाएंगे। और जिन भी लोगों को ब्रीथिंग की समस्या हो रही है या ये एक्सरसाइज कोरोना पॉजिटिव भी कर सकता है, कोरोना नेगेटिव भी कर सकता है, किसी भी तरह का पेशेंट से जिसको श्वास संबंधी समस्या हो वो ये एक्सरसाइज कर सकता है। और साथ में जिन भी पेशेंट्स को सीधे लेटने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सांस की प्रॉब्लम हो रही है, या जो कोरोना पॉजिटिव हैं उनको या तो उल्टा लेटना है या फिर करवट लेके लेटना है। ऐसा करने से उनकी रिकवरी जल्दी होगी, उनकी रिकवरी फास्ट होगी, वो जल्दी से स्वस्थ हो पाएंगे। तो ये एक्सरसाइज आप ज़रूर करें। और इसके बाद में जितनी भी पोस्ट कोविड एक्सरसाइज है मेरे सेकेंड वीडियो में वीडियो के अंदर आएंगी, उसको आप जरूर देखें और आपके स्वास्थ्य के लाभदायक रहेंगे।